कब तक चलता रहेगा? कब तक हम उससे ऐसे जलते रहेंगे? कभी टैसल एयरिंग, होम डेकोर, कभी ये कभी वो। इसके लिए ना कोई नया गुरु ढूंढना पड़ेगा। तेरी नजर में है कोई? नहीं है, नहीं है। अच्छा तू जा, मुझे मम्मी ने कुछ काम दिया, मैं वो करके आती हूँ। बन गए मेरे बैग, बन गए। तुम तो धोखेबाज हो, धोखा दे के बैग बनाते हो। कौन सा गुरु मिला? मुझे सब समझ में आ गया। तू बैग बनाना सीख के आई ना, मुझे दे ये बैग। सॉरी मैंने ये। अच्छा चल 1,00,000 लाइक ही दिला दे। हाँ वो तो दिला दूंगी। आप लोग ना इस वीडियो को 1,00,000 लाइक कर दो यार, इतनी कीमत ठीक है बाकी चल। अरे दे मैं। नेक्स्ट टाइम दर्जी के पास जब जाओ ना तो सूट का बचा हुआ कपड़ा मांग जरूर लेना, क्योंकि मैं तो लेकर आई हूँ और उसी से तो बनाया है मैंने हैंडबैग, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। तो सबसे पहले हम बैग का ये वाला पार्ट बनाएंगे। मैंने लिया है 8x9 inches का कपड़ा। आप चाहे तो अपनी मर्जी से कपड़े को बड़ा या छोटा ले सकते हैं, और बस 10 रुपए की बकरम। अब सेम साइज का एक और कपड़ा कट करके इसे दूसरे कपड़े पर उल्टा करके रख दे। कपड़े को कुछ इस तरीके से यू शेप में कट कर ले। अब बस दिखाई हुई जगह पर सिल दे। अब इसे सीधा करके जैसे हमने ये पॉकेट बनाया है वैसे ही एक और पॉकेट बना ले। जो हमने दो पॉकेट्स बनाई थी ना उसके सेम साइज का बकरम कट करके उसके अंदर इंसर्ट कर दें। बैग का बेस बनाने के लिए जो मेरे पजामे का कपड़ा बच गया था उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ी और 26 इंच लंबी पट्टी ली है। अब आप एक पॉकेट लीजिए, उस पे इस चौड़ी पट्टी को उल्टा रख के इसके तीनों साइड को सिलना स्टार्ट कीजिए, कुछ इस तरीके से। उल्टा सिलने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा कट कर ले। ऐसे ही दूसरे पॉकेट को पट्टी के दूसरे छोर से सिलना स्टार्ट कर दे। सिलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ऊपर का पार्ट जो हमने नहीं सिला था उसे फिनिशिंग देने के लिए हम पाइपिंग करेंगे। जितना बड़ा बैग है उसके अकॉर्डिंग आप पतली पट्टी को कट कर लीजिए। अब इस पतली पट्टी को किनारी पे कवर करते हुए सिलना स्टार्ट कर दें। बैग का फ्लैप बनाने के लिए 8x7 inch के दो कपड़ों को इस शेप में कट कर लीजिए। अब इन दोनों कपड़ों को उल्टा करके एक साइड से सिलना स्टार्ट करें जब तक आपका यू शेप ना आ जाए। अब हम लगाएंगे फ्लैप में टैसल। ये टैसल मैं चांदनी चौक से मात्र 20 रुपए में खरीद के लाई हूँ। टैसल के इस गोल्डन पार्ट को आप कपड़े में बाहर रखते हुए सिल दें। ऐसा करने से टैसल का फिनिश लुक आएगा। कुछ इसी तरीके से ही अगले यू शेप तक आप जितने चाहे टैसल्स लगा लें, और इस ओपन पार्ट को भी हम सिल देंगे। और अब इसे सीधा करने के बाद हमारे बैग का फ्लैप बनकर तैयार है, और बस सेम साइज का बकरम कट करके हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। अब पाउच के एक साइड पर इस बैग फ्लैप को रखें और उसे इस तरीके से सिल दें। और हाँ, सिलाई करने के बाद बैग को प्रेस करना ना भूले ताकि इसमें फिनिश्ड लुक आए। इसको टांगने के लिए बेल्ट बना ले। इसके लिए 3 इंच चौड़ी और जितनी लंबी आपको पट्टी चाहिए उतना लंबा कपड़ा काट ले, और इसे सिलने के बाद सीधा कर ले। ऐसा करने से आपकी बेल्ट की सिलाई इनविजिबल हो जाएगी और वो दिखने में भी सुंदर लगेगी। अब इस बेल्ट को बैग की दोनों साइड अंदर की तरफ सिल दें, और हमारा टैसल बैग बनकर तैयार है। आप चाहे तो मैग्नेटिक टिच बटन भी लगा सकते हैं, इससे आपका बैग अच्छे से बंद हो जाएगा और सिक्योर रहेगा। अब भाई पॉम पॉम का जमाना चल रहा है और हम पॉम पॉम बैग ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस बैग की खास बात यह है कि इसका जो कपड़ा है ना, हाँ हाँ थोड़ी सी चोरी तो की है मैंने, पर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। वो फ्रॉक मैंने अपनी भतीजी की ले ली, उसे बताना मत, वैसे उस पे छोटी हो गई थी तो मैंने उसे बैग बनाने में इस्तेमाल कर लिया। फ्रॉक को उल्टा करके किसी भी प्लेट की मदद से आप उसे सेमी सर्कल में शेप दीजिए और उसके बाद उसे कट कर लीजिए। इसी तरीके से एक और सेमी सर्कल कट कर लीजिए और इसी शेप के आप दो बकरम कट कर लीजिए। फैब्रिक ग्लू की मदद से बकरम को कपड़े की उल्टी साइड पर पेस्ट कर ले। ऐसे ही आप दूसरा सेमी सर्कल भी पेस्ट कर लीजिए। बैग को डेकोर करने के लिए मैंने लिया है येलो लेस, क्योंकि मेरे बैग का कलर भी कुछ ऐसा ही है। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से लेस को हम कपड़े के फ्रंट साइड पर पेस्ट करेंगे, इससे हमें नीट लुक मिलेगा।
अब इन खाली जगह पर मैं एक्स्ट्रा पॉम्पम लगा रही हूँ ताकि ये और ज्यादा घना दिखे। और ऐसा ही मैंने एक और बना लिया। अब हम बैग का बेस यानी कि साइड्स बनाएंगे, जिसके लिए आपको जितना चौड़ा आपका बैग चाहिए उस हिसाब से आप पट्टी कट कर लीजिए। अब इस कपड़े को जहाँ तक हमने लेस लगाई है उसके ठीक ऊपर सिलना स्टार्ट कर दें। देखा ना आपने, ऐसी ट्रिक करने से ही तो आया है एकदम नीट लुक। अब जो हमने दूसरा सेमी सर्कल बनाया था ना, उसे भी हम कपड़े की दूसरी छोर से सिल देंगे। सिलाई करने के बाद इसे सीधा कर लेंगे। अब इस बैग की तीनों साइड्स को हार्ड करने के लिए हम बकरम लगाएंगे। जितनी चौड़ी आपने येलो पट्टी कट करी थी उतना ही चौड़ा आपको बकरम कट करना है। कट करने के बाद आप इसे येलो पट्टी के ठीक ऊपर फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट कर दें। अब जैसे हमने पहले वाले बैग की बेल्ट बनाई थी ना, सेम उसी प्रोसीजर में हम ये वाले बैग की भी बेल्ट बनाएंगे। अब इस बैग की दोनों साइड में बेल्ट के दोनों छोरों को आप अंदर की तरफ सिल दें। अब हम बैग को और सुंदर बनाने के लिए इसमें पाइपिंग लगाएंगे। अब कोई भी पतली सी लेस ले ले और उसे ऊपर की साइड चारों तरफ सिलाई कर दे। अब हम बैग के लिए फ्लैप बनाएंगे। जिस साइज का पहले सेमी सर्कल कट किया था उसे आधा इंच बड़ा एक और सेमी सर्कल कट कर ले। अब सेम साइज का बकरम कट करके कपड़े की उल्टी साइड उसे फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट कर दे। अब इस व्हाइट पॉम्पम लेस को मैं कपड़े के अंदर की तरफ सिलाई कर रही हूँ ताकि मुझे सिर्फ पॉम्पम दिखे, ना कि उसका बॉर्डर। आप पूरे बैग में सिलाई अच्छे से करना ताकि आपका बैग मजबूत बना रहे। अब इस बड़े सेमी सर्कल को हम बैग के एक साइड पर सिलना स्टार्ट करेंगे। और सिलने के बाद आप बड़े सेमी सर्कल को जब आगे की तरफ लाएंगे तो आपका बैग कुछ इतना ही सुंदर लगेगा। जैसे मैंने ये दोनों बैग बनाए, बस उसी मेथड को यूज करके मैंने ये दोनों बैग भी बना दिए। अगर आप चाहते हो कि इन दोनों का भी वीडियो लेकर आऊं तो जल्दी से वीडियो को 1,00,000 लाइक तक तो पहुंचाओ। अंकू, पूरा वीडियो खत्म हो गया, सबने बैग बनाना भी सीख लिया। अरे लाइक मिले ना तुझे 1,00,000, और क्या चाहिए यार। एक एक बैग तो दे दे यार, एक तो दे दे, बहुत मेहनत से बनाया है। चल दे दे, सब्सक्राइबर दिलवा दे उसके बाद। सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। एक बैग दे दे ना। चल, उन्होंने बनाया था वो तो मैंने।